Hello everyone, this is Priya and welcome back to my channel. I'm here. हमेशा जो है मैं जब भी मैं बात करती हूँ या एडिटिंग करती हूँ ना, हमेशा जो है कोई गाड़ी आती है, पता कितना मुझे टाइम लगता है वॉइस ओवर करने में। और इसलिए जो है ज़्यादातर मैं जो है आपसे फेस टू फेस कम बात कर पाती हूँ, क्योंकि शोर आ ही जाता है। तो अभी जो है मैंने लंच बना दिया है, हस्बैंड को दे आई हूँ और अभी मैं भी खाऊंगी जब बेटी आएगी। तो आज बनाया है मैंने मिक्स दाल और साथ में है चटनी, बहुत अच्छी लगती है अचार में चटनी हो। तो दिन की शुरुआत हो गई है, आज मैंने सुबह से आपसे बात नहीं की और अभी बात करी है। सारा काम करने के बाद नहा धो ली हूँ मैं, बस अभी जो है लंच करूँगी, भूख लग रही है। इस बार मेरे बाल ना कुछ ठीक से कटे नहीं थे, अब की बार इनको बढ़ाऊंगी फिर उसको ठीक से कटाऊंगी। ये देखिए फिर पीछे से कोई चला गया, क्योंकि इस टाइम जो है ना कोई आता रहता है, कोई डिलीवरी वाला या कोई। अब इस टाइम जो है बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी हो गई है, तो कोई ना कोई जाता ही रहता है। जब भी बात करो पीछे से कभी बाइक की आवाज़, कभी स्कूटर की आवाज़, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, तो बस ऐसे ही चलता रहता है। तो इसी वजह से जो है मुझे ज़्यादा वॉइस ओवर ही करना पड़ता है एडिटिंग के टाइम। वॉइस ओवर भी जब करने बैठती हूँ ना, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी नीचे पार्क में बच्चे चिल्लाते हैं, कभी कोई गाड़ी चली जाती है, कभी कोई सब्ज़ी वाला आ जाता है, कभी कबाड़ी वाला आ जाता है, तो वो वाली चीज़ें होती हैं। तो समझ नहीं आता कि कब करो। वैसे ज़्यादातर मैंने देखा लोगों को रात को एडिटिंग करते हैं जब बिल्कुल शांति हो जाती है, लेकिन रात को मैं ज़्यादा देर तक जग नहीं सकती, ये भी सब दिक्कत है। तो जब भी टाइम मिलता है मैं थोड़ी थोड़ी एडिटिंग करती रहती हूँ, आपसे बात करती रहती हूँ, जैसे कि अब कर रही हूँ। और लंच हस्बैंड को दे दिया है, खुद आ गई हूँ किचन में बात करने के लिए। और हमेशा जो है मैं ज़्यादातर किचन में से ही बात करती हूँ, क्योंकि किचन में थोड़ा सा मेरे को बात करना आसान रहता है, कमरों में इतना नहीं कर पाती हूँ। कि जब कमरों में तब करती हूँ जब घर में कोई नहीं होता। तो अभी तो फ़िलहाल सारे काम निपट चुके हैं दोपहर के, आज मैं सोच रही हूँ कुछ और मीठा बनाने की। तो देखते हैं शाम को अगर हिम्मत हुई या बहुत ज़्यादा मन किया बनाने का तो बना ही लूँगी। तो क्या बनाऊँगी तो सोचना पड़ेगा, अभी देखते हैं। एक भी बाल नहीं, वैसे झड़ते नहीं है बाल मेरे, ज़्यादा टच छोट कह देती हूँ। बेटी के बाल बहुत झड़ रहे हैं, उसके बाद हम ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं बालों का, उसके पता नहीं कितने झड़ रहे हैं बाल। ये अच्छी ग्रोथ थी उसकी, इतने सुंदर बाल थे, सारे ख़राब हुए। एक भी बाल नहीं झड़ेगा मेरा, अभी मैंने सुलझाया है, नीचे भी नहीं गिरे है ही नहीं, मतलब बाल इतने भी टूटते, बहुत कम टूटते मेरे बाल। कंगा मैच कर रहा है ड्रेस के साथ, कंगा मैच कर रहा है ड्रेस के साथ। हस्बैंड प्लेट रखने के लिए आए थे अंदर और देखा तो मैंने गैस ही बंद नहीं किया, उनको खाना दिया था, दाल गर्म की थी मैंने और गैस सिम कर रखा था, ध्यान ही नहीं रहा, आपसे बात करती रही, बाहर चली गई कंगी करने के लिए और गैस ऑन थी, अभी दाल सारी चल जाती। दोनों माँ बेटी भूखे ले रहे थे, तो अच्छा मेरे हस्बैंड आ गए। कई बार हो चुका मेरे साथ ऐसे, सामने से रोशनी पड़ती है ना तो बिल्कुल अगर मैं सिम कर देती हूँ गैस तो नज़र ही नहीं आती कि जल रही है कि बंद है, दाल बच गई। आजकल बस ऐसे ही रहता है दिमाग उल्टा सीधा। अभी फेस पे मैंने लगाया नहीं, नहा कर आई थी ना, मैंने तो बाल सुलझा लेती हूँ, वरना बहुत उलझे उलझे बाल सारे, बस जा रही हूँ। तो आज जो है आयुष भी नहीं है घर में, वो भी गया अपने काम से, कॉलेज के किसी काम से, और अनुषण हमारी है भी स्कूल से आ चुकी है, और भूख लग रही है जल्दी से ऐसा खाना खाएं, क्योंकि आजकल ना सुबह में कुछ खा नहीं पा रही। सुबह मैंने चीला बनाया था, तो चीला जो है ना बहुत जल्दी हजम हो जाता है, लेकिन चीला खाने से ना सही रहता है, चीले से बहुत जल्दी जो है वेट लूज होता है, मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैंने अभी पीछे वेट किया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बता नहीं सकते क्या करूँ, समझ ही नहीं आता कैसे मैनेज करूँ मैं टाइम पर। चलिए देखते हैं, अभी लंच करते हैं उसके बाद मिलूंगी। चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी होनी है,
मेरी सास के हाथ की चटनी बहुत अच्छी होती है, मेरे से नहीं बन पाती ऐसे। और वो सिल पे पीसती हैं बहुत अच्छी, नहीं फाइन, बहुत फाइन चटनी पीसती हैं। और इसमें धनिया है, टमाटर है, और उसी से इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है। दाल के साथ चटनी अचार ऐसा कुछ होना चाहिए। और ये वाली जो दाल है सब दाल, ये भी मैंने उन्हीं से सीखी अपनी सास से, बहुत अच्छी बनाती है दाल वाल भी वो, तो ये मुझे पसंद भी बहुत है। इसे हरी मिर्च और होती है ना, और मज़ा आता। दाल बहुत गर्म होगी। भूख इतनी तेज लगी थी कि मैंने अर्शु का भी वेट नहीं किया, वो नहा रही है, हो सकता है अपने हेयर वॉश कर रही थी, उसमें टाइम लग रहा है उसको। और मैंने खाना खा लिया, और छाछ कल भी भूल गई थी, आज भी भूल गई। और छाछ है तड़का छाछ, बहुत अच्छी लगती है, खासकर गर्मियों में ना छाछ, दही, दाल रोटी, ऐसी चीज़ें मिल जाए ना तो बस वो खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे मैं रात को खाऊँ ना खाऊँ, लेकिन ये सिंपल खाना जितना भी होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, और पेट भर जाता है सवेरे। गर्मी में ठंडी ठंडी चाट पी के मेरी बहन तो बिना चाची खाना ही नहीं खाती है, उसको तो दिन में चाहिए चाहिए, स्कूल से आती है तो चाची पैकेट लेके लेती हुई आती है, और सबसे पहले आती है जो है तो खाना खाने से पहले छाछ बनाती है, सो नमक और जीरा पाउडर सब डाल के, बड़ा मज़ा आता है ठंडी ठंडी चाच के साथ खाना खाना। तो खाना मैं खा चुकी हूँ, छाछ पीना भूल गई थी कल भी और आज भी, क्योंकि भूख कल भी मुझे बहुत तेज़ लग रही थी, कल ये भी नहीं आए थे, लेट हो गए थे, और आज भी अब उस टाइम खाने की जल्दी इतनी होती है कि फटाफट डाला और खा लिया, ये सब चीज़ें रखी रह जाती हैं। तो आज मीठा कुछ नहीं है, तो सोचा थोड़ी सी दही रखी थी कटोरी में डाल दी है, तो मन करेगा तो उसमें थोड़ी सी चीनी मिला के थोड़ा मीठा खा लेंगे, ये हो जाता हमारा मीठा, तो कुछ ना कुछ तो खाना ही है। तो फिलहाल तो मैंने छाछ आधी पी ली, आधी रख दी बेटी के लिए, एक एक ही पैकेट था, एक पैकेट हमने पहले पी लिया था, एक ही बचा था तो रख दिया मैंने। थोड़ी सी दही बची है, इसमें थोड़ा सा ये डाल दी मैंने बूरा, थोड़ी ज़्यादा नहीं है, दही की लस्सी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन नींद बहुत आती है लस्सी पीने से। तो लस्सी भी मेरी लस्सी कहती, दही मेरी तैयार है, छाछ भी मैंने पी ली है, खाना भी मैंने खा लिया है। बेटे को फ़ोन करती हूँ, शायद आयुष जो है आज सुबह चला गया था जल्दी, उसका अचानक से फ़ोन आ गया, उसको जाना पड़ा, तो निकल गया बिना नाश्ता किए, तो उतना लंच किया नहीं किया, देखते हैं अभी फ़ोन करके। तो पानी तो अभी हमने रखा नहीं है पीने के लिए, ये छोटी सी बोतल में रख लेती हूँ अपने लिए, तो इसी को जो है मिक्स करके पीती रहती हूँ, क्योंकि प्यास नहीं बुझती है। और छोटी मटकी जो है ना उसमें पानी रखा हुआ है ठंडा, तो फिर उसमें कितने लोग पी लेते हैं, हस्बैंड भी उसमें पी लेते हैं, बेटा भी पीता है, तो ये छोटी सी बोतल मैंने अपने रख ली है, इसको फ्रिज में रख लेती हूँ, दो है ऐसी बोतल, और ये उस दिन लाया था आयुष, इसमें वो था मोहब्बत का शरबत, तो छोटी सी बोतल अच्छी है, ये ठंडी रहती है, इसी के साथ मिक्स कर लेती हूँ दूसरा सिंपल पानी, और इससे प्यास बुझ जाती है। तो अभी खाना खाया थोड़ी देर में पीऊँगी, बाहर निकल के पहले रख लिया इसको। तो सोची थी गुलाब जामुन बनाने के लिए शाम को उठ के, और मैंने जो है शुगर सिरप तो बना लिया, यानी कि चाशनी बना चुकी हूँ मैं, उठते बना ली थी, और जैसे ही मैं सूजी को गुलाब जामुन बना रही थी, तो सूजी रखी हुई थी मेरे पास,
अब जैसे मैंने सूजी निकाली उसमें हो रही है लाल चींटी, मैं बना नहीं सकती मैं उसको अभी, लाल चींटी है चढ़ जाएंगी जब कल दिक्कत हो जाएगी। चलो अभी कैंसिल करते हैं, शाम को कल देखेंगे। ये मैंने बना लिया था, चलो ये तो ख़राब नहीं होगा, उसको रख दूँगी फ्रिज में। ये तो लाल चींटियाँ देखते हैं ऐसा लगता है कि सारे मुँह पे लाल चींटी चल रही है, तो नाम ही काफ़ी है लाल चींटी का। अब इतना तब से खुशी चल रही है, ऐसा लाल चींटी चढ़ गई है, देख रही हूँ। वैसे मैंने डब्बा पूरा खोला नहीं था, थोड़ी सी पता चल गया था मुझे लाल चींटी है, नहीं है। चलो डिनर की तैयारी करते हैं फिलहाल, तो कि बनाने वाली हूँ बैंगन हरा वाला, ये अच्छा बनता है। तो बैंगन कर लेते हैं कट, आलू बैंगन बनाऊंगी। अरे क्या बोलते हैं उसको, जल्दी बता, कह रही है तोरी मत बनाना, दूर से तोरी लग रही है उसको, तोरी तो मैंने परसों बनाई थी। अब थोड़ी थोड़ी सब्जियां मैं इनको खिलाने लगी हूँ, इन्हें जो है ना मेरी मम्मी के हाथ की सब्जियां पसंद आती हैं, तो वैसी बना के देती हूँ तो खा लेते हैं शौक से। अभी पीछे मैं घर भी गई पहले, क्या रिया रात को पापा ने डांटा भी था ना तेरे को, वो उनको उनको पता नहीं था ना कि सोफे पे तू सो रहा है, ठीक है क्या, उस बच्ची को डांट पड़वा दी पापा को लगा रिया बैठी हुई है, क्या बोल रहे थे मोबाइल छीन लूँगा ऐसे कुछ कह रहे थे। रात को आयुष ने मोबाइल देख रहा था और मैं उसको बाबरा बोल रही थी कि बेटा रख दे सुन नहीं रहा है, हम सब सो गए और आरुषि सोती है सोफे पे, कल ये सो गए मेरे पास तो मोबाइल के सिर्फ पापा को लाइट नजर आई अंदर से, और उन्होंने जो है वो चिल्लाने लगे, उनको लगा आरुषि बैठी हुई है और उस बेचारी डांट पड़ा रही, वो तो कप्पा सो गई थी, उसकी तो सेकंड वो थी इनिंग सोने की। और अपने डांट इसको दे वापस, वापस दे इसको, मैंने पहले मैं सोच भी रही थी, मैंने कहा ये बोले क्या ये, और खुद भी सोच रहा है कि पापा क्या बोले। अरे यार अभी आया ये सुबह का गया हुआ, अब इसको आ रही नींद तो कह रहा मुझे एक घंटा दो घंटे सोने दो, थोड़ा देर नीचे घुमाना बेटा तो नींद उड़ जाएगी। मेरे हस्बैंड वाले बैंगन पसंद नहीं थे उन्हें, लेकिन ये वाले बैंगन अच्छे लगते हैं ग्रीन वाले, और मेरे फादर जो है ना हैदराबाद से लेकर आए बैंगन, वहाँ पर बहुत अच्छे बैंगन मिलते हैं, उनका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो जहाँ पे भी वो मिलते हैं लेकिन कई कई जगह पे मिलते हैं, हमें हर जगह पे नहीं मिलते, मैंने काफ़ी ढूंढा नहीं मिले, तो उसके जो बघारे बैंगन होते हैं वो बहुत टेस्टी बनते हैं। मम्मी से पूछूंगी कब वो बनाएंगी बघारे बैंगन, और अगर मेरा पॉसिबल है जाना तो मैं वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। बघारा बैंगन जो है हैदराबाद की फेमस डिश है और वो शादियों में भी बनती है, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, उसमें मसाला बनता है, आते तो मेरे को भी है लेकिन मेरे बस मम्मी प्रॉपर ढंग से बनाती है, जैसे प्रॉपरली जो बनता है ना वहाँ पे उसी तरीके से सारी चीज़ें, तो अगर पूछूंगी मम्मी से कब बनाएंगी वो, तो बैंगन तो हमारे आ चुके हैं। तो सब्ज़ी बिना पानी के बन जाती है, आज मैंने दूसरे तरीके से बनाई, इसमें टमाटर नहीं डाला और ना ही अदरक लहसुन डाला, खाली इसमें नमक और मिर्च बस कोई चीज़ डाली है और इसी से बनाई है, इसी से ही बहुत टेस्टी बन जाएगी।
सब्जी मेरी बन चुकी है और अभी रोटी में टाइम है, बजे है 7:30 का टाइम हो रहा है। तो मैं जा रही हूँ नीचे टेलर के पास, सूट का मॉडल मिल चुका है, सूट डाल के आती हूँ, दो डाल के आती हूँ, तीसरा बाद में डालूँगी। मेरी फ्रेंड आ रही है नीचे, उसको भी डालना है अपने सूट, तो चलते हैं टेलर के पास। तो दे दी है मैंने अपने दो सूट तो दे आई हूँ, और मेज़रमेंट मैंने नहीं दिया क्योंकि मेरे पास पर्ची का नंबर था, तो वो स्लिप नंबर मैंने उनको दे दिया। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे को मेज़रमेंट दे देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा वेट बड़ा है, तो हो सकता है कि मेरे इंचज भी काफ़ी बड़े हैं। तो कल जाके दोबारा से अपना जो है मेज़रमेंट देके आऊँगी। और सिलाई जो है बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, हमारे भैया ने सिलाई भी ज़्यादा बढ़ा दी है, 20-20-30-30 रुपये कह रहे हैं कि हमारा किराया बढ़ता तो हम जो है इसका इस पर भी जो है बढ़ा देते हैं, तो उन्होंने 20 रुपये या 30 रुपये ऐसा कुछ बढ़ा दिया। तो अभी मेरे को बताया नहीं कि मेरे कितने हुए हैं, होंगे 1,500 के आसपास, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी सिलवाया था तब भी मेरा 1,800-1,900 रुपये बना था, तो कहें ऐसा ना हो कि ज़्यादा ना हो जाए। तो इसलिए जो है मैं नहीं लेती, मुझे रेडीमेड ही पसंद आते हैं, सिलवाओ और सिलाई इतनी महंगी आती, कपड़ा इतना महंगा, फिर सिलवाई इतनी महंगी, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। काफ़ी टाइम से मैंने दिया नहीं था, लेकिन अब मेरे पास सूट थे तो मैंने दे दिए, तो काफ़ी सारे मैंने सूट सिलवा लिए हैं। चलो कोई बात नहीं, तो दे दे तो दे दिया, मैंने तो कह रहे एक ही टेलर बचा है कि अब ये है ना कि घर के नीचे ही है, फटाफट जाते हैं, और 10 बार अगर चक्कर भी लगाने होते हैं तो मतलब कुछ करवाना हो कुछ है तो वो कर देता है फटाफट से। अब कहीं दूर दिया होता ना तो 10 बार सोचना पड़ता है देने के लिए, फिर देकर आओ कुछ कमी हो तो फिर जाओ वापस करने के लिए, तो इसी वजह से जो है इसको दे देते हैं। तो देखते हैं, वैसे हम कोई नया टेलर ढूंढेंगे बाई चांस, कभी अच्छे कपड़े सिलने वाला मिल जाए, पैसे कम लेने वाला मिल जाए, क्या कर सकते हैं, हाउसवाइफ हैं, सोच समझ के काम करना पड़ता है, जहाँ पैसों की थोड़ी बचत हो वहीं चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो चलो कल जाऊँगी दोबारा से मेजरमेंट लाऊँगी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सूट ही बर्बाद हो जाएगा। भौंक रहा है इसलिए मैं बात नहीं करती हूँ, तो चलो आज जो है इसको भौंकने देते हैं, वॉइस ओवर नहीं करते हैं, और इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने लिए अपनों के साथ, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करो कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।